नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। राजनाथ सिंह ने कहा, सुकमा हमला सुनियोजित साजिश, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नक्सलियों के खिलाफ बनेगी नई रणनीति। कांग्रेस का हमला, नक्सलियों से निपटने की कोई नीति नहीं है केंद्र की मोदी सरकार के पास। मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुंबई हाईकोर्ट से मिली जमानत। गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा का दावा, एनकाउंटर न किया होता तो जिंदा नहीं होते नरेंद्र मोदी। अक्षय कुमार ने कहा, यदि मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के योग्य नहीं तो आप वापस ले सकते हैं पुरस्कार। आमिर खान को मोहन भागवत ने दिया पुरस्कार, 16 वर्ष बाद पुरस्कार समारोह में शामिल हुए आमिर। इंदौर में 45 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ व्यापारी गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में 2 बाराती वाहनों की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 20 घायल। कूच बिहार में सड़क दुर्घटना में एएसआई सहित 35 पुलिसकर्मी घायल। तापी जिले के उच्छल तालुका के मीरकोट गांव में स्कूल की दीवार गिरने से 2 छात्राओं समेत 3 की मौत। संयुक्त राष्ट्र से बोले डोनाल्ड ट्रंप, उत्तर कोरिया पर लगाओ नए प्रतिबंध। सीरिया में हवाई हमले में 18 कुर्द लड़ाकों की मौत। सरकार ने वर्ष 2017-18 में 27 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया। बिना कोच लंदन मैराथन जीते धावक जोश ग्रिफिथ ब्रिटेन की राष्ट्रीय टीम में शामिल, विश्व चैंपियनशिप में उतरेंगे। अंपायर के निर्णय पर असहमति जताने के आरोप में रोहित शर्मा पर मैच फीस का 50% जुर्माना। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।